हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जिसने पिछला वीडियो देखा है उसको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज़ बताएं कमेंट करके। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने की। ठीक है, देखिए मैं इंडिकेटर यूज करके दिखाता हूँ आज आपको। मैंने ये पंपलेट बना रखा है, इसमें टेम्पलेट, सॉरी। ठीक है, यूज करते हैं इनको थोड़ा सा। वैसे मैं इंडिकेटर पे काम करता ही नहीं हूँ, मैं ओनली अपने कैंडल स्टिक पैटर्न पे थोड़ा सा काम करता हूँ, मतलब उसी पे काम करता हूँ, बाकी मैं इंडिकेटर यूज ही नहीं करता। इंडिकेटर आपके माइंड को डाइवर्ट करने का काम करते हैं मेनली, और इन पे ध्यान दे के अगर आप ट्रेड करोगे तो लॉस हो जाएगा। देखिए मैंने $20 लगाए हैं, सॉरी $40 लगाए हैं। ठीक है, इससे पहले हमारा लॉस हो चुका था क्योंकि मैंने कोशिश की थी ट्रेड करने की, लेकिन वो गलत लग रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, नेटवर्क को नेट चल नहीं रहा है सही से। अभी भी देख लीजिए पेंडिंग में दिखा रखा है ट्रेड को, अभी तक वो ट्रेड क्लोज ही नहीं हुई है। $20 की थी और वो लॉस होगी, उससे पहले $5 और, टोटल $25 लॉस हो चुके हैं हमारे। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रीम वो आपको दिख ही जाएगा, आज नहीं दिखेगा तो कल वाली में दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप टेंशन ना लें। $25 का लॉस हुआ है हमारा अभी तक, और हमने $40 की ट्रेड की है। और ये ट्रेड देखते हैं क्या रहता है। हमारा बैलेंस है $100, ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी। ठीक है, पहले ही मैंने ट्रेड कर दी थी। देखिए बिल्कुल ही ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ पे ट्रेड हम लगाना चाह रहे हैं वो लग नहीं रहा, यहाँ पे बीच में $20 गायब है। लेकिन नेटवर्क स्लो कनेक्शन इस वजह से आ रही है। ठीक है, बीच में लॉस हुआ है हमारा 20 और 5, टोटल $25 का, और हमने इसको रिकवर कर लिया है $40 की ट्रेड करके। ठीक है, और उसमें प्रॉफिट भी कर लिया हमने $60 का, $40 की जो ट्रेड की है उसमें प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, ये इंडिकेटर लगाया है मेरे हिसाब से, मेरे कोई काम का नहीं है ये, क्योंकि मैं इंडिकेटर पे यूज ही नहीं करता हूँ, ट्रेड करना पसंद ही नहीं करता हूँ। शुरुआत में मैंने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन एक तो मेरे को समझ नहीं आते इंडिकेटर, पहली बात तो ये है, मैं बिना इंडिकेटर के ही मार्केट को एनालाइज करके तब ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अभी कोशिश करते हैं ट्रेड करने की, अगर हो पाया तो। ठीक है, नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, इस वजह से मैं वो ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। देखते हैं अगर कोई सिग्नल सही से मिल जाए तो, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।